वालेकुम प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में आप लोगों को पार्ट वन और पार्ट टू मुकम्मल हो चुका लेसन, यानी सिलेबस पूरा मुकम्मल हो चुका है। आप लोगों को फर्स्ट लेसन से रिवीजन दिया जाता है, यानी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। ऑनलाइन आप लोगों को सिलेबस मुकम्मल होने के बाद फर्स्ट लेसन से रिवीजन है। ये रिवीजन को अच्छी तरह सुनना है और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको मुकम्मल तौर पर करना है। और आप लोगों का रिवीजन में पहला सबक है कब तक मेरे मौला नज़म। क्या है कब तक मेरे मौला नज़म का खुलासा। इस खुलासे को अच्छी तरह समझाने के बाद आप लोग फिर इसको अपने अल्फाज में लिखकर भेजना है। फर्स्ट लेसन देखो, पहला सबक है कब तक मेरे मौला। इसके लिखने वाले शायर है शाज तमकिनत। कौन है? शाज तमकिनत। और इसका खुलासा देखो तुलबा, इस खुलासे में शायर ये बयान करना चाह रहे कि नज़म कब तक मेरे मौला में शायर खुदा से अपनी आजिज़ी व इनकसारी का इजहार करते हुए कह रहा है। यानी ये नज़म है ना कब तक मेरे मौला में, तो शायर अल्लाह ताला से रिक्वेस्टली आजिज़ी के साथ इजहार कर रहा है और कह रहा है कि अल्लाह ताला से मैं ख़ुद एक मुजस्सिम तमन्ना हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं कब तक चुप रहूँ और सब्र करूँ। मेरे इतने ख्वाहिशात हैं दुनिया में, मेरी इन ख्वाहिशात को मुकम्मल कब करते अल्लाह, बल्कि अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। ऐ मेरे दिल में रहने वाले, बर्दाश्त की शिद्दत से कहीं मेरा दिल टूट ना जाए। मैं मुसीबतों को बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ, मेरे मुसीबतों को सुन ले ऐ अल्लाह ताला, और मेरा ये मुसीबतों को बर्दाश्त करते करते मेरा कहीं दिल टूट ना जाए। बल्कि शायर अल्लाह ताला से बयान कर रहे, मैं तेरे दर का गदा हूँ, तेरी अता का इंतज़ार करते करते कहीं मेरे हाथ से कासा गदाई ना छूट जाए। मैं आपका इंतज़ार करते करते मेरे हाथ से कहीं कठोरा ना छूट जाए, बल्कि अल्लाह से कह रहे, मेरी सारी उम्मीदों का मरकज़ बस तू है, मेरे तमाम उम्मीदों का मरकज़ कौन है? अल्लाह ताला। मैं तो तुझ ही से आस लगाए बैठा हूँ, आखिर कब तक मुंतज़िर रहूँ, कब तक इंतज़ार करूँ। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, मैं सब्र करते करते थक चुका हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँ मेरे मुसीबतों को, बल्कि शायर अल्लाह के सामने बयान कर रहे हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे आंसुओं को अपनी रहमत के दामन में समेट ले। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे तमाम आंसुओं जो भी निकल रहे हैं आपके रहमत के दामन में समेट ले। ऐ बहारों को लुटाने वाले, मायूसी के वीरानों से निकाल कर खुशियों और राहत के गुलशन में पहुंचा दे। क्या बोल रहे? ऐ बहारों को लुटाने वाले, मायूसियों वीरानों से निकाल कर खुशियों और राहत के गुलशन में पहुंचा दे। मुझे मेरे तमाम परेशानियों से निकाल कर किस में डाल दिए? बोल रहे गुलशन, यानी खुशियों और राहत, खुशियों और सुकून में पहुंचा दे। मैं इतनी तकलीफ़ में हूं, मेरी हालत शाख से टूटे हुए इस पत्ते की तरह है। क्या बोल रहे शायर? जब एक दरख्त से पत्ता टूट कर नीचे गिरता है तो उसकी हालत कैसी होती, इसी तरह शायर की हालत यहाँ पर शाख से टूटे हुए पत्ते को शायर से मिसाल दी गई है। मेरी हालत शाख से टूटे हुए इस पत्ते की तरह है जो हवाओं के थपेड़ों की जर्द पर होता है। मैं आखिर कब तक भटकता रहूँगा, मैं इस दुनिया में आखिर कब तक भटकता रहूँगा, मुझे जल्द से जल्द सीधी राह पर जमा दे। मैं दुनिया में कब तक भटकता रहूँगा, मुझे सही रास्ता दिखा दे ऐ मौला, बल्कि अल्लाह के सामने शायर दुआ मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह, मैं सर से पांव तक ख्वाहिशात में डूबा हुआ हूँ। ऐ अल्लाह, मैं सर से लेकर पांव तक मेरे तमाम ख्वाहिशात है। कहाँ से? सर से लेकर पांव तक इतने ख्वाहिशात है शायर के कि लामहदूद ख्वाहिशात है, मिनी की तकमील में मगन हूँ। मैं यही मेरे ख्वाहिशात को कब मुकम्मल करूँ, बल्कि इसमें ही मगन हूँ, यानी इसमें ही रह चुका हूँ मेरे ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन आखिरत बेशुमार लोग एक के बाद एक दीगर दुनिया छोड़कर तेरे पास लौट रहे हैं। क्या बोल रहे शायर? दुनिया में हर जने नेक काम करना है और अल्लाह के पास जाना है। शायर अब तक उनकी पूरी दुनिया पूरी क्या करे, शायर अब तक बेशुमार लोग दुनिया छोड़कर तेरे पास लौट रहे, एक के बाद एक दुनिया चले जा रही, लेकिन शायर के क्या है, पूरे ख्वाहिशात में ही उनकी उम्र गुजर गई। वो हैरत ज़दा है, मैं कैसा नादा हूँ कि मैं अब आखिरत सुहाने के मैं अपनी आखिरत सुहाने के बजाय दुनिया के कामों में मगन हूँ। क्या बोले शायर? अपने आप को महसूस यानी अपने आप को फील करते हुए, यानी अपने आप को अफसोस करते हुए कह रहे, मेरी पूरी जवानी पूरी मेरे ख्वाहिशात में घूम गई और मैंने नेक कामों में नहीं करा
और मैं अल्लाह के पास जाना है कि ना एक दिन मैं कैसा गुजारूँ और एक मैं कैसा नादान इंसान हूँ। उनको हैरत होने लगी कि अपनी आखिरत सुहाने के वजह मैं दुनिया के कामों में मगन था। यूँ महसूस होता है कि मैं किसी रेगिस्तान का खिला हुआ फूल। शायर को अफसोस होने लगा कि दुनिया में हर इंसान को एक के बाद एक जाना है, लेकिन इन्होंने शायर दुनिया के कामों में मशगूल थे अल्लाह ताला के इबादत में नहीं, तो आखिरत के बारे में मालूम होने के बाद शायर अफसोस करने लगे। इसी तरह इस खुलासे को तुलबा अपना का होमवर्क है, अपने अल्फाज में लिख कर भेजिए। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 कल पढ़ेंगे।